तो अब देखते हैं NIMCET 2008 के क्वेश्चंस। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए पेयर ऑफ डाइस अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड टुगेदर, जिससे आइदर तब तक रोल करते रहेंगे जब तक पांच सम या फिर सात सम ना मिलता रहे। अगर पहली बार दो डाइस रोल करे दोनों में वन वन आ गया तो टू सम आएगा, तो फिर नेक्स्ट बार रोल करेंगे तीन सम आया, फिर जब तक पाँच या सात नहीं आ जाएगा तब तक एंड नहीं होगा गेम। तो इसको दो तरह से करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर फाइव और सेवन इज ऑब्टेन्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव कम्स बिफोर सेवन, फाइव कम्स बिफोर सेवन। ठीक है, तो डाइस में हम सभी को पता है टोटल सैम्पल स्पेस दो डाइस हैं तो 6 × 6 = 36। पांच सम कैसे आ सकता है देखते हैं। 1 4 4 1 2 3 3 2, आई थिंक ये चार केसेस होंगे सम पांच के लिए। अब सम सेवन 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 1 2 3 4 5 6, छह केसेस बनेंगे सम सात के लिए। तो एक पहले तो सिंपल तरीके से देखते हैं क्या मतलब, किस तरह से करा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो गेम तब तक चलता रहेगा जब तक सम पांच या सात ना आ जाए, और उस केस में इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पांच पहले आए बिफोर सेवन। तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ब्रेक कर सकते हैं। सम फाइव आए पहले नीचे, गिवन दैट सम ऑफ फाइव और सम सेवन। तो एक सिंपल तरीका है, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ब्रेक कर सकते हैं। गिवन है कि गेम तब तक चलेगा जब तक सम फाइव या सेवन नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले फाइव आए। इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइव ही आएगा, इसका इंटरसेक्शन इससे लिया जाएगा तो क्या आएगा, सम फाइव। नीचे यही इवेंट होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव और मतलब यूनियन सेवन, और सम पांच आए और सम सात आए, इसमें इंटरसेक्शन तो कुछ होगा नहीं, तो इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दिस। तो सिंपल है, सब जगह 36 तो आना ही है। सम फाइव के लिए चार केस, तो सम फाइव 4/36, फिर सम फाइव 4/36, देन सम सेवन 1/6/36, तो 4/10 मीन्स 2/5। तो एक तरीका तो ये हो गया, सिंपल तरीका है, आंसर 2/5 आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका एक दूसरा अल्टरनेट तरीका है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जिसमें हम इनफाइनाइट जीपी बनाते हैं, तो तब तक रोल करना है जब तक पहली बार सम फाइव ना आ जाए। तो या तो सम फाइव आएगा, सम फाइव आने की प्रोबेबिलिटी 4/36 मींस 1/9, और सम फाइव नहीं आए दैट इज 8/9। तो तब तक रोल करना है जब तक पहली बार सम फाइव ना आ जाए। तो हो सकता है कि पहली बार ही हम डाइस रोल करें और सम फाइव आ जाए, जो भी रिक्वायर्ड है, पहली बार ही रोल करा और सम फाइव आ गया, सम फाइव आ गया, इट मींस दिस इज 1/9, सम फाइव आने की प्रॉबिलिटी 1/9।
अब ध्यान समझना होगा, दूसरी बार जब हम रोल कर रहे हैं तो 7 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। मतलब दूसरी बार रोल करा तो अब पहली बार में ना तो 7 आए ना ही 5 आए, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी है 6/36, दैट इज 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/9, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। मींस जो सेकेंड टर्न है उसमें ना तो सम 5 आए ना ही सम 7 आए, तो उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी एलसीएम आएगा इसका। एक सेकेंड जस्ट, एलसीएम इज या ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, टोटल 4 केस आए थे सम 5 के और टोटल 6 केस आए थे सम 7 के। टोटल केस 36 होते हैं, इसमें से ये 10 केस घटा दें तो ये फेवरेबल केस हो गए, ना तो सम 5 आएगा ना ही सम 7 आएगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/36। तो ना तो सम 5 आए ना ही सम 7 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी सम 5 आने के 4 केसेस, सम 6 आने के 7 आने के 6 केसेस, टोटल कितने केस हुए 10, 36 केस में से 10 केस घटा दिए 26 इज द आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी है जब ना तो सम 5 आ रहा है ना ही सम 7 आ रहा है, तो पहली बार में ना तो सम 5 आए ना ही सम 7 आए, लेकिन दूसरी बार में सम 5 आ जाए। देन अगेन पहली बार में ना तो सम 5 आए ना 7 आए, दूसरी बार में सम ना तो 5 आए ना 7 आए, लेकिन तीसरी बार में सम 5 आ जाए, एंड सो ऑन। पहली दूसरी तीसरी बार में सम 5 आए ना ही 7 आए, एंड सो ऑन। तो ये इन्फाइनाइट जीपीए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो ये आ रहा है। इससे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, ये ऊपर जाएगा 4/10। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया था उससे भी, वो भी अप्रोच सही है, लेकिन चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्फ्यूजन रहता है तो नॉर्मली बुक्स वगैरह में इस तरह के ही सोल्यूशन है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सम 5 4 तरीके से आ सकता है, तो सम 5 आने के 4/36 प्रोबेबिलिटी, सम 7 6 तरह से आ सकता है तो सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, और एक इवेंट वो हमने निकाली जिसमें ना तो सम 5 आए ना ही 7 आए, तो टोटल केस 6 और 4 10 हुए, 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वो केसेस हैं इसमें ना तो 5 आ रहा है ना 7 आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई जब ना सम 5 आएगा ना ही 7 आएगा 26/36। इसके बाद हमने क्या करा, इसी सीक्वेंस से हमेशा करते हैं, पहली बार में ही सम 5 आ गया, दूसरे बार में ये गेम एंड हो गया, दूसरे बार में ना तो सम 5 आया ना 7 आया 26/36, मतलब दूसरा जो गेम हुआ उसमें पहली बार में ना सम 5 आया ना 7 आया, लेकिन दूसरी बार में सम 5 आ गया, यही रिपीट होगा। पहली बार में सम 5/7 नहीं आया, दूसरी बार में सम 5/7 नहीं आया, तीसरी बार में सम 5 आ गया, फिर तीन बार, पहली दूसरी तीसरी बार सम 5/7 नहीं आया, चौथी बार सम 5 आ गया। इन्फाइनाइट जीपीए ऐड कर देंगे सिंपली ए अपॉन 1-r का फॉर्मूला लगा के, तो आंसर इज 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2008 में आया है, लेटर इज टेकन एट रेंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लेटर्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 लेटर्स हैं, ठीक है। एक लेटर इससे लिया जाता है और एक लेटर इससे लिया जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सेम लेटर्स। तो जरा पहले देखते हैं सेम लेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एस हो सकता है, एस एस में भी है, देन टी हो सकता है,
देन ए हो सकता है, देन ए टी आई, एन इसमें नहीं है, ए ठीक है, सी दोनों में नहीं है, एस दोनों में है, ठीक है। तो ये चार लेटर्स हैं जो दोनों में हो सकते हैं, और एक ही लेटर चूज करना है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसमें दो बार ऐसा आ रहा है कि तीन बार आ रहा है कि चार बार ऐसा आ रहा है, बिकॉज हमें सेलेक्ट एक ही लेटर करना है। तो पहले तो हम दोनों से एस सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमन, इससे भी एस और इससे भी एस, फिर टी दोनों से सेलेक्ट कर लेंगे, इससे भी टी और इससे भी टी, फिर ए दोनों से सेलेक्ट कर लेंगे, इससे भी ए निकाल लेंगे एक और इससे भी ए एक निकाल लेंगे, फिर आई सेलेक्ट कर लेंगे, इससे भी एक आई और इससे भी एक आई, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस वजह से लोगों को होता है क्योंकि एस कई बार रिपीट हो रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हमें निकालना एक ही है। तीन बार एस है तो एस आने की प्रॉबिलिटी एट रेंडम बढ़ जाती है क्योंकि कई सारे एस हैं, सिंपली एक एस होता, एक एस होता तो एस आने की प्रॉबिलिटी 1/10 होती, चूँकि तीन एस हैं इससे एक एस निकालूँ 1, 2, 3, 3/10, इससे एक एस निकालो 1, 2, 3, इसमें भी तीन ऐसे हैं और टोटल लेटर्स 9 हैं, तो दिस इज अगेन 3/9, ठीक है। टी, इससे टी निकालते हैं 1, 2, 3, तीन टी इसमें हैं, टोटल लेटर्स हैं 10, इसमें 1, 2, दो टी हैं, टोटल लेटर्स हैं 9, इसमें ए निकालते हैं 1, एक ए है इसमें 1/10, इसमें दो ए हैं तो 2/9, देन आई निकालना है तो इसमें कितने आई हैं 1, 2, 2 आई, 2/10 स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें कितने आई हैं 1, 1/9, कैलकुलेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 19 ही आ रहा है, यह आएगा 9 + 6 + 2 + 2, कैलकुलेट कर लेना 19/90 इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 2008 का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल है क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल, 6 रेड हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। इफ फेयर डाइस इज रोल्ड, एक फेयर डाई रोल करा गया तो डाई में सभी को पता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। द नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू द नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस, मतलब अगर डाइस में 1 आ गया तो एक बॉल इससे निकाल लेंगे, अगर डाइस में 2 आ गया तो 2 बॉल, 6 आ गया तो बैक से हम 6 बॉल निकाल लेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एट रेंडम द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर रेड, इंपॉर्टेंट है कि सारी बॉल जो भी निकले वो रेड आए इस बात की प्रॉबिलिटी, तो सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा, डाइस में या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6, तो मान लेते हैं डाइस में 1 आया तो एक ही रेड बॉल निकालनी होगी, डाइस में आया 1 तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और इससे एक रेड बॉल निकाल लो क्योंकि रेड बॉल ही निकालनी है, तो रेड बॉल निकालनी है तो 6c1 / 10c1 प्लस डाइस में 2 आ गया तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है, तो यहां से 2 रेड बॉल निकाल लो 6c2 / 10c2, डाइस में 3 आ गया तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होती है, तो 6 में से 3 बॉल निकाली और 10 में से 3 बॉल निकाली प्लस डाइस में 4 आ गया, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 6c4 / 10c4, डाइस में 5 आ गया इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, तो 6 में से 5 रेड बॉल निकाल लो और 10 में से 5 रेड बॉल निकाल लो, डाइस में 6 आ गया इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, तो थोड़े से वियर्ड हैं कैलकुलेशन, काफ़ी बड़े कैलकुलेशन होंगे यहाँ पे,
और पूरा कैलकुलेट करके बाय द वे जो आता है वो ये आता है। तो जब कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज रख के तो आंसर नहीं मैच करता है, काफ़ी बड़े कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा करने हैं यहाँ पे, तो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीस। इसका आंसर क्या आ रहा है? नन ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008, सिक्स फेस डाइज बायस्ड, मतलब कुछ गड़बड़ है डाइज में। इट इज थ्राइस मोर लाइकली, थ्री टाइम्स मोर लाइकली टू शो एन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर थ्री टाइम्स ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू इवन नंबर। तो ऑड नंबर ज़्यादा आता है और इवन नंबर कम आता है, ऑड नंबर थ्री टाइम्स, मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम पी मान लें तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पी बाई थ्री हो जाएगी। ऑड नंबर लाइक 135 और इवन नंबर 246, 135 246 आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है और एग्जॉस्टिव भी होता है। तो कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती है, बायस डाई है तो प्रोबेबिलिटी गिवन होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह ये डेटा दे रखा है, तो ऐसे केस में हम कंसेप्ट यूज करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस का। या तो वन आएगा या थ्री आएगा या फाइव आएगा या टू आएगा या फोर आएगा या सिक्स आएगा, इसके अलावा डाइस में कुछ नहीं आ सकता, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन हो जाता है। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन हो जाएगा। ऑड नंबर मतलब पी प्लस पी प्लस पी, इवन नंबर पी बाई थ्री, पी बाई थ्री पी बाई थ्री इज इक्वल टू वन, पी प्लस पी प्लस पी थ्री पी प्लस पी इज इक्वल टू वन, तो पी इज वन बाई फोर। तो ऑड नंबर आने की प्रॉबिलिटी वन बाई फोर, इवन नंबर आने की प्रॉबिलिटी वन बाई ट्वेल्व, ऑड नंबर आने की प्रॉबिलिटी वन बाई फोर, इवन नंबर आने की प्रॉबिलिटी वन बाई ट्वेल्व। सम ऑफ नंबर हमें इवन चाहिए, इट इज थ्रोन ट्वाइस, इसको दो बार थ्रो करा जाता है, दो बार थ्रो करते हैं, पहली बार में कोई नंबर आ सकता है, दूसरी बार में कोई नंबर आ सकता है। सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी इवन, तो दो नंबर का सम इवन कब हो सकता है? या तो दोनों ऑड हो 3 प्लस 5 8, या दोनों इवन हो 2 प्लस 6 8, बोथ इवन। या फिर और मतलब ऐड करना, बोथ ऑड। तो जैसा कि देखा, सम इवन आएगा जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। ऑड नंबर भी तीन है, इवन नंबर भी 246 तीन है। तो पहला ऑड नंबर आए या पहला इवन नंबर आए, इवन नंबर कितने हैं? तीन। टू आएगा या फोर आएगा या सिक्स आएगा, और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाई ट्वेल्व। तो पहला इवन नंबर आएगा तो थ्री बाई ट्वेल्व, दूसरा भी इवन नंबर आएगा तो दैट इज अगेन थ्री बाई ट्वेल्व। फिर यही चीज़ यहाँ पे करनी है, बोथ आर ऑड, ऑड नंबर भी तीन है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर, तो पहला ऑड नंबर आएगा थ्री बाई फोर, दूसरा ऑड नंबर आएगा थ्री बाई फोर। पूरा कैलकुलेट कर लेना इसको सॉल्व करके, तो इट्स आंसर इज विल बी 5/8। तो नेक्स्ट 2008 का क्वेश्चन, ए लेटर इज नोन टू कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कैलकटा, मतलब एक लेटर आया है, लेटर मीन्स अल्फाबेट नहीं, ऑन द एनवेलप जस्ट टू कंजेकेटिव लेटर्स, मतलब एक चिट्ठी आई है जिसमें सपोज कर लो पानी गिर गया और सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? टी ए दिख रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट
लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकटा, ठीक है। तो ध्यान से देखने की जरूरत है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। टीए टाटा नगर से भी दिख सकता है, टीए दो बार, कैलकटा से भी टीए दिख सकता है। तो टीए का विजिबल होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट, मींस आइदर वो टाटा नगर से दिखेगा या कैलकटा से दिखेगा, और टीए का दिखना इज द ओवरलैपिंग इवेंट। और टीए तुम्हें दिख रहा है मींस ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, टीए इज विजिबल, इसका नाम वी बोल देते हैं। इवेंट्स के नाम देने पड़ते हैं, बहुत डिटेल में नहीं दे सकते बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही नाम देना होगा। मतलब टीए विजिबल है तब वो लेटर कैलकटा से दिखाई दे, कैलकटा से हो, तो ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी है। उनमें से एक इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, इट मींस दिस द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में करते क्या है, इसको पलट देते हैं, इनटू पीसी अपॉन पी वी बाय सी इनटू पीसी। वी मतलब टीए विजिबल है फ्रॉम टाटा नगर इनटू पीटी। अब ये सारी वैल्यूज हम देख लेते हैं, पीसी मतलब कैलकटा से टीए विजिबल है या टाटा नगर से टीए विजिबल है, कैलकटा से टीए विजिबल है या टाटा नगर से टीए विजिबल है। कैलकटा में टीए एक बार आ रहा है, टाटा नगर में टीए दो बार आ रहा है, टीए एंड टीए। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना होगा कि कैलकटा से टीए एक बार विजिबल है और टाटा नगर से टीए दो बार विजिबल है। तो टीए यहां कहीं से भी आ सकता है, लाइक इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है, टीए विजिबल है कैलकटा से, इस बात की प्रोबेबिलिटी, टीए हमें दिख रहा है कैलकटा से, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो ध्यान से देखने की जरूरत है। टीए यहां पे एक ही बार दिख रहा है, अब कैलकटा से है और टीए एक बार दिख रहा है, तो टीए विजिबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो दो लेटर कोई भी हो सकते थे, सी ए एक, ए एल दो, एल सी तीन, सी यू चार, यू टी पांच, टी टी छः, टी ए सात। इसको कैलकुलेट कर लो, दो लेटर कोई भी हो सकते थे, इधर सी ए हो सकता था या ए एल हो सकता था या एल सी हो सकता था या सी यू हो सकता था या यू टी हो सकता था या टी ए हो सकता था। टोटल सात तरीके से कोई भी दो लेटर्स कंजेकेटिव विजिबल हो सकते थे, लेकिन हमें टी ए ही दिखा, तो दैट इज 1/7। अब सिमिलरली वो टी ए लेटर टाटा नगर से आया है तब वो विजिबल हो, टी ए विजिबल हो जब वो लेटर टाटा नगर से आया है। तो टाटा नगर में ये टी ए दो बार दिख रहा है, अब दो लेटर्स टोटल कितने तरह से दिख सकते थे, इसको काउंट करने की जरूरत है, दो कंजेक्यूटिव लेटर कितने तरह से दिख सकते हैं, टी ए एक, ए टी दो, टी ए दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ तरीके से। तो टी ए विजिबल होगा कैलकटा से, एक ही बार आ रहा है, और टोटल दो कंजेक्यूटिव लेटर सात तरीके से दिख सकते थे, सी ए, ए एल, एल सी, सी यू, यू टी, टी टी, टी ए। इसी तरह से टाटा नगर से टी ए दो बार आ रहा है, तो फेवल केस दो, और दो कंजेक्यूटिव लेटर्स काउंट करके देखो तो आठ बार आएंगे, और वो टी ए किसी से भी हो सकता था, कैलकटा से भी हो सकता था, टाटा नगर से भी हो सकता था, उस बात की प्रॉबिलिटी 1/2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी जाएंगे, इसके बाद आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इट्स आंसर इज, आई थिंक इट्स आंसर इज 4/11, इट्स आंसर इज 4/11। स्टार्ट करते हैं निमसेट 2009 के क्वेश्चन से। ए मैन हैज़ फाइव कॉइन्स, पांच कॉइन्स हैं
दो में दो कॉइन्स जो हैं उसमें डबल हेड है, मतलब दोनों साइड हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जीरो। वन कॉइन एक कॉइन है जिसमें डबल टेल है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो, और दो नॉर्मल कॉइन है, मतलब दो फेयर कॉइन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में 1/2। ही शट्स हिज आइज, इस बात का कोई खास मतलब नहीं है, उसको नहीं देखेगा, अदरवाइज तो वो जो कॉइन चाहिए वही उठाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पिक्स अ कॉइन एट रेंडम एंड टॉस इट, द प्रोबेबिलिटी दैट लोअर फेस ऑफ कॉइन इज हेड। लोअर फेस ऑफ कॉइन इज हेड, इसका मतलब अपर फेस लोअर हेड हो, इस बात को समझना पड़ेगा। लोअर हेड है तो अपर टेल तभी होगा जब फेयर कॉइन होगा। अगर दोनों साइड हेड है तो लोअर टेल हेड है, तो अपर टेल भी हेड ही होगा। इस केस में लोअर टेल, लोअर फेस हेड हो नहीं सकता, इस केस में लोअर फेस हेड हो सकता है। इस केस में प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों ही हेड टेल हैं, तो लोअर फेस हेड नहीं हो सकता। इस केस में प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी बिकॉज दोनों ही साइड हेड है। इस केस में लोअर फेस हेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऑटोमेटिकली अपर फेस क्या हो जाएगा, अपर फेस टेल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी लोअर फेस इज हेड। ध्यान रखना इसमें दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स हैं और लोअर फेस हेड है, बिल्कुल होगा। इस केस में एक कॉइन है, इस केस में दो फेयर कॉइन है, और उसने चूज करा है एक कॉइन एट रेंडम एंड टॉस इट, द प्रोबेबिलिटी दैट लोअर फेस ऑफ कॉइन इज हेड। तो लोअर फेस हेड हो, पहले हम इन दो कॉइन्स की बात करते हैं जिसके दोनों फेस हेड हैं। तो दोनों फेस हेड हैं तब हम बात कर रहे हैं, टोटल कॉइन है पांच और इससे एक कॉइन सेलेक्ट वो करना है जिसके दोनों फेस हेड हैं। तो उस तरह के टोटल कॉइन पांच हैं, टोटल कॉइन दो हैं और टोटल कॉइन पांच हैं। तो इस तरह का एक कॉइन लेने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और इसमें लोअर फेस में हेड आएगा उस बात की प्रोबेबिलिटी 1 बिकॉज दोनों ही फेस में हेड है। इस केस में देखें तो जीरो ही होगा। बाय द वे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, एक ही कॉइन है, टोटल है 5, 1/5। यहाँ पे फिर दो कॉइन है, टोटल है 5 और लोअर फेस हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 2/5 प्लस 1/5 आंसर इज 3/5। तो इट्स आंसर इज 3/5, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट 2009 का क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी थ्रोज अ डाई इन सक्सेशन टू विन अ बेट विथ स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो इस बात को ध्यान रखना है, मतलब ए ने पहले टॉस करा, फिर बी टॉस करेगा और तब टॉस करेगा जब ए नहीं जीता है, और जीतेगा वो जिसका पहली बार वन आएगा। तो ए ने टॉस करा और सपोज कर लो 5 आ गया, तो फिर बी टॉस करेगा और बी का भी वन नहीं आया तो फिर ए टॉस करेगा, और फिर ए का वन नहीं आया तो बी टॉस करेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक किसी का वन नहीं आ जाता। वन आने के बाद गेम ओवर हो जाएगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड बी। एक्सपेक्टेशन मतलब ये प्राइज मनी दे रखी है 110 रुपीज। हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लाइक जैसे ए को 70 रुपीज मिल गए और बी को 40 रुपीज मिल गए, तो इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने पे रुपीज़ आ जाएंगे, जो भी आंसर आता है देखते हैं। तो पहले हमें निकालना है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, और दो ही लोग हैं तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, देखते हैं इसको। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि पहली बार में ही ए जीत गया। ए जीतेगा कब, जब उसका वन आएगा। डाइस में वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6।
तो पहली बार में ही ए का ए जीत गया। अब दूसरी बार में ए हार गया, बी भी हार गया, फिर ए जीत गया, फिर तीसरी बार में ए हार गया, बी का भी वन नहीं आया, फिर ए का वन नहीं आया, फिर बी का वन नहीं आया, फिर ए का वन आ गया, एंड सो ऑन। तो ए का वन आ गया 1/6, ए का वन नहीं आया 5/6, बी का भी वन नहीं आया 5/6, देन ए का वन आ गया 1/6, वन नहीं आया 5/6, वन नहीं आया 5/6, 5/6, 5/6, चार बार मल्टीप्लाई होगा एंड देन 1/6। और ये इन्फाइनाइट जीपी, ये मैच तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक का वन नहीं आ जाता है। और चूंकि हमें ए को जिताना है तो लास्ट, हर गेम के लास्ट में हम ए को जिता रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म है 1/6, कॉमन रेशियो है 5/6 का स्क्वायर, मतलब तो 1/6 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 5 11/36 6/11। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11, तो दो ही लोग खेल रहे हैं तो या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1-6/11 दैट इज 5/11 सिंपली। तो इस तरह क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, काफ़ी बार इस तरह क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो टोटल अमाउंट है 110 रुपये, ए कितना जीत सकता है तो उसको 6/11 से मल्टीप्लाई कर दो, बी के कितना जीत सकता है तो उसको 5/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 10 मीन्स 60 50। तो आंसर इज 60 रुपीज़ ए की एक्सपेक्टेशन होगी और 50 रुपीज़ बी की एक्सपेक्टेशन होगी। का देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज 85 ईयर ओल्ड विल डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 90 ईयर्स इज 1/3, मतलब 85 ईयर का है और 90 ईयर्स के पहले मर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार जो मेन प्रॉब्लम आती है, इन फैक्ट्स और फिगर में लोग उलझ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स ईयर का है वाई ईयर में मर जाएगा तो 1/3, मतलब 85 और 90 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, किसी भी साल का होता और किसी साल में मर जाएगा, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ, उस बात की प्रोबेबिलिटी से सिर्फ हमें मतलब है, मतलब वो मर जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जिंदा रहेगा अलाइव इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। A1, A2, A3, A4 चार लोग हैं, इनके नाम पे भी नहीं जाना है, प्रॉब्लम यही होती है कि इनके नाम में और एज में, इन सब में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं। A1, A2, A3, A4 आर फोर पर्सन हु आर 85 ईयर ओल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 90 ईयर्स, पर्टिकुलर A1 की बात कर रहे हैं, इस नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हाँ ये चार लोग जो हैं वो डिफरेंट हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ A2 होता तो भी वही आंसर आता, A3 होता तो भी वही आंसर आता, A4 होता तो भी वही आंसर आता, तो चार लोग हैं तो ऑब्वियसली वो चार डिफरेंट हैं, उनके नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें प्रॉबिलिटी बतानी है, मतलब कोई भी एक पर्सन बिफोर 90 ईयर्स या कोई भी ईयर होता उससे पहले मर जाएगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, और जिंदा रहेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। द प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 90 ईयर्स, तो यहां पे देखते हैं हम क्या करते हैं। बिफोर 90 ईयर ऐसा भी हो सकता है कि सारे मर जाएं, या एक मरे या दो मरे या तीन मरे, और चूंकि प्रॉबिलिटी 1/3 है तो यह भी हो सकता है कि कोई भी ना मरे। तो हम यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1-प्रोबेबिलिटी ऑल अलाइव, सारे जिंदा हैं, 1-प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल अलाइव अगर हम करते हैं, सारे जिंदा हैं, इसका मतलब एटलीस्ट एक तो मरेगा ही, और हमें बताना है कि वो A1 हो,
और सबका जीना और मरना इंडिपेंडेंट होता है. जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 2/3 कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आया एटलीस्ट वन विल डाई, कम से कम एक मरेगा. अब वो पर्टिकुलरली A1 ही हो, प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल डाई बिफोर 90 ईयर्स, तो जस्ट ये नाम है लेकिन चारों पर्सन डिफरेंट हैं, तो वो एटलीस्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन पहला पर्सन A1 ही हो, तो इन चारों में से अगर कोई एक मर रहा है और वो A1 है, A1 होता है या इसकी जगह A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, काम वही करते, तो लोग चार हैं और मरना A1 को है, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो पर्टिकुलरली A1 ही हो, इसलिए हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसका आंसर जब कैलकुलेट करते हैं तो इट्स आंसर इज आई थिंक सी ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन NIMCET 2009 का देखते हैं. एन एंटीक्राफ्ट गन टेक्स अ मैक्सिमम 4 शॉट, मतलब 4 शॉट लगा सकते हैं. एनिमी प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट शॉट इज दिस, सेकंड शॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, थर्ड शॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये, फोर्थ शॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये, और प्लेन हिट हो. तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक ही हिट काफ़ी होता है, अनटिल अनलेस मेंशन ना हो कि एटलीस्ट 2 हिट्स और 3 हिट्स आर नीडेड. तो ये सब अंडरस्टूड है कि एटलीस्ट एक हिट चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट, तो जब भी एटलीस्ट 1 हिट की बात करते हैं तो माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि कोई हिट ना कर पाए, नो हिट, पहला भी हिट ना कर पाए, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और बार बार शॉट कर रहा है तो इंडिपेंडेंट होंगे. तो 1 माइनस पहला भी मिस कर जाए, पहले हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, दूसरा भी मिस कर जाए, तीसरा भी मिस कर जाए एंड चौथा भी मिस कर जाए, दिस इज 0.6, दिस इज 0.7, दिस इज 0.8, दिस इज 0.9. थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और कैलकुलेट करने पे जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर सी आता है, चेक करके देख सकते हैं आप लोग. तो इसका आंसर सी है. तो सिंपली ये क्वेश्चन हो सकता था आसानी से, नेक्स्ट टाइम लेकिन अगर आता है तो करा जा सकता है. इसके अलावा 2 क्वेश्चन अभी हमने छोड़ दिए हैं 2009 के, जो कि एग्जैक्टली 2017 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको आप लोग टैली करके देख सकते हैं.